जान जरूरी है या इम्तिहान? क्योंकि ट्रांसमिशन होता है, और अब मैं डॉक्टर सौरभ के पास भी आने वाला हूं। ट्रांसमिशन किससे होता है? ट्रांसमिशन होता है जब इंटरमिंगलिंग होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बच्चे इस बार परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई में मंथन, बड़ी खबर। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन कराने या टालने पर सीबीएसई का मंथन, बड़ी खबर। देश के कई राज्यों से उठी कोरोना काल में बच्चों की परीक्षा टालने की मांग। ये जो खबर है, इस खबर के मायने क्यों हैं? इस खबर के मायने बताने के लिए कुमार कुंदन के पास जाने से पहले आइए जरा तुरंत, मैं बिग वॉल पर आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, प्ले करें इसको यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021 में बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, जरा ध्यान दीजिए। 5 राज्यों में 79,000 से ज्यादा बच्चों के कोरोना के केसेस हैं। 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, जो 5 राज्य मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस देश में 60% से ज्यादा कोरोना जहां पर है, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना हुआ, 5 साल से कम उम्र के बच्चे 9,000 के ऊपर। सोचे यहां पर थोड़ा सा, अगर राहुल जूम इन कर पाए तो, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। कर्नाटक में 7,327 बच्चों को कोरोना, 5 साल से कम उम्र के 871 बच्चे, और ये 4 अप्रैल तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद के आंकड़े और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। वो छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा, लगभग 6,000 बच्चों को कोरोना हुआ, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे 922 बच्चे हैं। चेंज करें यहां पर। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 3,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना उत्तर प्रदेश में, 5 साल से कम उम्र के बच्चे 441, और मत भूलिए उत्तर प्रदेश में कोरोना की वेव थोड़ा लेट आ रही है लेकिन अब बहुत तेजी से पीक कर रहा है, मत भूलिए। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में 2,733 बच्चों को कोरोना, 5 साल के कम उम्र के 441 बच्चे। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बोलना पड़ा। और एक और फैक्ट है इसमें, जो माइल्ड से मॉडरेट कोविड जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इस बार बढ़ गए, पिछली बार सिर्फ एसिम्टोमेटिक थे। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और ग्राफिक्स के साथ सीधे कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, सीबीएसई बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, जहां तक सीबीएसई की बात है, तो आज जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से सीधा रिक्वेस्ट किया है, शिक्षा मंत्री से भी रिक्वेस्ट किया है, तो बताया ये जा रहा है कि वहां पे इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना तय हो गया है कि संभव है कि इस बार जो सीबीएसई ने जो तारीख तय की थी उस तारीख पर एग्ज़ाम ना हो पाए, क्योंकि सीबीएसई में एक बड़ी तादाद दिल्ली में स्टूडेंट्स की है और दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं उस हालात में परीक्षा कराना संभव नहीं है। ठीक है, इस बात की जानकारी